हेलो फ्रेंड्स, CMCIT प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रोशन और आज हम इस अध्याय में जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट इंसर्ट करना, रीनेम करना, डिलीट करना, शीट को कॉपी करना और साथ ही जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में शीट में पासवर्ड उपयोग करके वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना। अगर हमारी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें और नई यूट्यूब वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम वर्क के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ जो है ये टास्क बार है। टास्क बार में इस तरफ आपको माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल ओपन करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट बटन में क्लिक करना होगा। जब भी स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप ऑल प्रोग्राम्स में क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्लिक करना है और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिया हुआ है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, तो एक्सेल में क्लिक करना होगा, ठीक है। दूसरा मेथड भी है, यहाँ पे स्टार्ट में जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च है, जस्ट इसमें क्या करना है, हमें EXEL टाइप कर देना है। जब भी इंटर डालेंगे तो आपको ओपन हो जाएगा। अर्थात तीसरा मेथड है विंडो प्रेस करके, विंडो की प्रेस करके जब भी हम आर डालते हैं आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में हमें जस्ट एक्सेल टाइप कर देना है और इंटर डाल देना है, ठीक है। तो ये आपको एक्सेल का विंडो है। अब इस एक्सेल की विंडो में हमें जानना है आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जितने सारे ये जो है इससे शीट कहा जाता है, जो शीट आपको रॉ और कॉलम के कॉम्बिनेशन से आपको क्रिएट किया गया है। देख रहे हैं जितने सारे ये जो आपको जो नंबर फॉर्मेट में लेबल्ड किया गया है इसे रॉ कहते हैं और ये जो है आपको जितने सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है इसे कलम कहते हैं। तो चलिए हम अब इस ट्यूटोरियल में जानते हैं आपको किसी भी शीट को हम रीनेम कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे और प्रोटेक्ट कैसे करेंगे और साथ ही इसको हम हाइड कैसे करेंगे। तो चलिए हम अब जानते हैं। तो सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना होगा आप कौन सा शीट को आप रीनेम करना चाहते हैं। तो हम एक फाइल, इसमें फाइल कुछ है नहीं, मान लीजिए ये जो एक फाइल है हम इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, CMCIT प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक आपको एक कंटेंट लिखा हुआ है जो आपको एक कंटेंट आपको शीट टू का है, ठीक है। तो चलिए जब भी आप इसे आप क्या करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप रीनेम करना चाहते हैं तो माउस का जो दो पॉइंटर, ये जो आपको बटन्स है ये बटन को क्या करना होगा, आपको राइट क्लिक करना होगा। आप जब भी राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक मेनू आएगा जिस मेनू को शॉर्टकट मेनू भी कहते हैं और पॉपअप मेनू भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिया गया है। जब भी आप इंसर्ट में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है, यहाँ पे इसे इंसर्ट डायलॉग बॉक्स कहते हैं। और जब भी आप वर्कशीट में सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो आपको एक नया शीट प्रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो ये है आपको शीट किस तरह हम इंसर्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, जब भी आपको डिलीट करना हो शीट को, तो मान लीजिए जो शीट को आपको डिलीट करना हो, शीट 4 को डिलीट करना हो या 1 को डिलीट करना हो या 2 को डिलीट करना हो, तो राइट क्लिक करेंगे, इसमें क्या कर देना है आपको, डिलीट कर देना है। जब भी आप डिलीट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है और यहाँ पर डिमांड कर रहा है कि आर यू वॉन्ट टू डिलीट परमानेंटली। जब भी आप डिलीट करेंगे तो क्या होगा, आपको ये आपको डिलीट हो जाएगा, जो सीट आपको सेलेक्टेड है वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। राइट क्लिक में अब क्या करना है, हमें रीनेम करना है। मान लीजिए यहाँ पे सीट 4 है, इसे हम रीनेम करना चाहते हैं। तो जब भी राइट क्लिक में रीनेम करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे लेजर सीट हमें देना है, ठीक है। ये आपको इस सीट का रीनेम ही हो गया, यहाँ पर जो आपको सीट 2 था सीट 2 अरिने में होकर के यहाँ पे लेजर सीट हो चुका है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये जो है आपको सीट 3 को रीनेम करके यहाँ पे सैलरी सीट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको सैलरी सीट आपको प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपको सीट को किस तरह हम रीनेम कर सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और रीनेम में जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको हाईलाइट होगा और यहाँ पर जो भी हम टाइप करेंगे तो वो क्या होगा, सीट रीनेम हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे टैप कलर में देखिए जो सीट का कलर है, यहाँ पे अभी तो कोई कलर नहीं है। जब भी राइट क्लिक में टैप कलर देंगे, इसमें आपको जो टैप कलर चूज करना है, तो आप जब भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे कलर हाईलाइट होगा, शो करेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे राइट क्लिक में जा करके टैप कलर में अगर आप रेड दे रहे हैं, ठीक है, आप रेड दे रहे हैं, तो यहाँ सीट कलर क्या होगा, आपको
रेड इंडिकेट होगा, देख रहे हैं, इसे टाइप कलर कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। मान लीजिए किसी भी शीट को, या शीट वन हो या लेजर शीट हो या सैलरी शीट हो, अगर आपको हाइड करना है तो सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, हाइड में क्लिक करें। जब भी हाइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको उस शीट जो है सैलरी लेजर शीट आपको हाइड हो चुका है। आप फिर क्या करना है, इसको राइट क्लिक, ठीक है, अनहाइड। जब भी अनहाइड में क्लिक करेंगे तो लेजर शीट यहाँ पे है, सेलेक्ट करके जब भी क्लिक करेंगे तो लेजर शीट फिर क्या होगा, यहाँ पे वापस आ जाएगा। कहाँ पर, वर्कबुक में, स्क्रीन में। तो चलिए आगे चलते हैं। राइट क्लिक में जाकर के मान लीजिए यहाँ पर कुछ कंटेंट्स है, यहाँ पर कुछ कंटेंट्स लिखे हुए हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें आपको ये शीट को प्रोटेक्शन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोटेक्ट शीट करेंगे। जब भी प्रोटेक्ट शीट करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा, और जिस डायलॉग बॉक्स का नाम है आपको प्रोटेक्ट शीट, यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके करेंगे और री इंटर द पासवर्ड 1 2 3 4 5। जब भी आप ओके डालेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, बल्कि कोई भी चीज़ को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन, इसे क्या कहता है, सीट को प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना। आप कुछ यहाँ पर मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ यहाँ पे आप राइट नहीं कर सकते, कुछ यहाँ पर आप इंसर्ट नहीं कर सकते, जस्ट आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम किसी भी सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और टैप कर सकते हैं, साथ ही शीट को हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं इस ट्यूटोरियल को यहीं पे ख़त्म करने जा रहा हूं, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें, और नई यूट्यूब भरी वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और किसी तरह का अगर आपको कॉमेंट हो तो आप बहुत सोशल मीडिया के मार्फत आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि सोल्यूशन कर सकूं। धन्यवाद।